ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राशन उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया कि मुरादाबाद जनपद के राशन विक्रेता राशन उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न कर रहे हैं। उनके राशन की कालाबाजारी की जा रही है और उन्हें बगैर राशन के वापस भेज दिया जाता है। जब वे शिकायत लेकर विभागीय अधिकारी से मिलते हैं तो उन्हें जांच का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इन सब बातों को लेकर एक ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष युवा अशरफ अब्बासी, फहीम सद्दाम, साजिद आदि लोग मौजूद थे। राशन की जो दलाली कर रहा है राशन डीलर, और राशन के डीलर तो ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहा है और उसके बाद में सुबह को 7 बजे बैठते हैं और 8 बजते ही भाग जाते हैं। इसमें जावेद है कि लालबाग पहले से और कई हैं, और कुछ लोग जो है राशन कार्ड 50-50 रुपये 100-100 रुपये लेकर जो नए इशू है उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है गरीब लोगों को पहुँचाने की। वो राशन डीलर जो है कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है गरीब लोगों से, और कुछ राशन डीलर और अंदर के जो अधिकारी वो मिले हुए हैं मगर कोई शिकायत के कुछ जो राशन जो अंदर के अधिकारी हैं वो कहीं और कैरेट पहुँचा देते हैं, जिससे जो है वो गरीब आदमी पहुँचता तो उससे कहते हैं कि 2 महीने के बाद मिलेगा आपको राशन। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि किसी को परेशान नहीं करा जाए और जिनका जो हक है वो गरीबों को दिया जाए।